क्या सर, आपको लगा मैं आपको पकड़ नहीं पाऊंगा? ऐसा कुछ भी नहीं है जो रवि के बस का नहीं है। एक बात बताइए, पुलिस वालों का काम होता है लोगों की मदद करना, और आपने एक बहरे बुड्ढे को गाड़ी से उड़ा दिया, वो भी 150 किलोमीटर की स्पीड से। ये कहाँ का न्याय है सर? ओ, दारू की बोतल। लोग गियर बदल के गाड़ी चलाते हैं और आप दारू पी के गाड़ी चलाते हो। खुद दारू पिए तो कुछ नहीं, लेकिन अगर हम दारू पी ले तो फिर मुंह 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 सूंघ के अंदर कर देते हो। एए, बोल मत कि मैं पुलिस वाला हूँ। तुझे याद है? अबे खाकी, अगर याद होता तो इस तरह छठे बदमाश की तरह भागता नहीं। ऐसे होते हैं क्या पुलिस वाले? आया बड़ा मुझे सिखाने वाला। पुलिस ऐसे काम नहीं करती। तुम तो पुलिस वाले तक नहीं हो, पुलिस यानी कि देवराज। 4 से 5 साल इंतजार करो, फिर इस रवि को भी तुम्हें सैल्यूट मारना पड़ेगा। मैं भी पुलिस वाला बनने वाला हूँ। दारू जब अंदर जाती है तो झुलाती है, और जब ये बॉटल अंदर जाती है तो सुलाती है। अरे देख, अपना रवि आ गया। अरे रे रे, क्या कर रहा है? चाबी तो दे। चाबी क्या, गड्डी भी नहीं मिलेगी। चाचा की हालत कैसी है? डॉक्टर ने बताया कि काफी खून बह चुका है। हमने ब्लड बैंक से खून का इंतजाम तो कर दिया है, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे, इसीलिए उन्होंने इलाज करने से मना कर दिया है। अरे इतना दिलदार इंसान यहाँ है, क्यों फिक्र करता है? कितने पैसों की जरूरत है? ऑपरेशन और दवाई का मिला के 20,000। सर आप मुझे 20,000 रुपए दे सकते हैं? क्यों साले, शादी में है क्या? पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं? क्या कर रहा है? मेरा पर्स दे। सर 500 के नोट है, वो भी कड़क कड़क। देख जरा कितना माल है। पुलिस वाले का पैसा चोरी करता है, लंबे टाइम के लिए अंदर डालूंगा। 5 का जुगाड़ हो गया, 15 चाहिए। मुझसे पंगा मत लो। पुलिस वो क्या कहते हैं, सबका मालिक एक, समझा? कितना बड़ा जुर्म कर रहे हो? मेरी अंगूठी आज के भाव के हिसाब से 10 मिलेगा। खुद को बहुत छाना समझता है। रुक, तुझे बताता हूँ। 5,000 रुपए मिल जाएंगे उसके, भेज दे। ठीक है भाई। क्या रे, तुझे क्या लगता है तू पुलिस वाले को आसानी से लूट लेगा? बहुत बड़ी गलती की तुम लोगों ने। अंदर चलो, तुम्हें पता चल जाएगा तुमने क्या गलती की है। आ जाओ। ये आदमी कड़ी मेहनत करके अपना घर चला रहा था, और तुमने तो इसे खटिया पर लिटा दिया। डॉक्टर कहता है कि इसे 2 महीने लगेंगे ठीक होने में, तब तक इसके परिवार का ख्याल कौन रखेगा? अगर कभी गलती हो जाए तो दिल से पश्चाताप करना चाहिए। जाओ बाहर जाके चुल्लू भर पानी में डूब मरो। ये नहीं, रहने दो बेटा। नहीं नहीं, रख लीजिए। तुम हमारे कुछ भी नहीं लगते, फिर भी तुमने हमारी मदद की। मैं गरीब तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊंगी बेटा? माँ जी, मैंने आप पर कोई एहसान नहीं किया, बस आपका थोड़ा ख्याल रखा है। और मैं अनजान कहाँ हूँ, मैं आपका बेटा ही तो हूँ। ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है, उसी ने मुझे भेजा है आपकी मदद करने। बेटा, बाहर पुलिस उसे परेशान तो नहीं करेगी ना? पुलिस परेशान करेगी? अरे कल हमारा भाई पुलिस बनेगा, परसों कलेक्टर, उसके बाद मिनिस्टर, उससे कौन पंगा लेगा? देवराज ने हमारे भाई को मारा है, इन पुलिस वालों को मारो! सर, क्या हुआ? अनवर लंगड़ा के लोग हमारे लिए परेशानी खड़ी कर रहे हैं सर। डैम इट, खुद को पुलिस ऑफिसर कहते हो? चंद गुंडों को संभाल नहीं सकते और खुद को एक जिम्मेदार इंस्पेक्टर समझते हो? उतार दो ये वर्दी, तुम इसके काबिल नहीं हो। देवराज सर, आपने जो एनकाउंटर किया है उसके बारे में आपका क्या कहना है? गुंडे समाज में फैली हुई गंध है, उन्हें जड़ से उखाड़ देना बहुत जरूरी है। इन सब गुंडों का माई बाप विनाश राव है, तो आप उसे क्यों नहीं पकड़ते? अभी तो बस ये शुरुआत है, आगे देखिए क्या होगा, और अगली बारी विनाश राव की ही होगी। हमारे भाई को मार दिया, हम कुछ नहीं। बड़ा बनकर, जो हो गया सो हो गया। वो एक एक करके हमारे आदमियों का इनकाउंटर कर रहा है। ये मर गया तो इसमें रोने की क्या बात है? हमारे भाई ने हमें सब कुछ दिया। मुझे देख, मैं यहाँ नागपाड़ा का डॉन हूँ, अपने धंधे में ऐसा होते रहता है। आज ये मरा, कल ये मरेगा, कल तू 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 सब मरेंगे, कोई नहीं बचेगा। हम सब एक एक करके साफ हो जाएंगे। आखिर में उसका हाथ आपके गिरेबान तक आ पहुँचेगा, तब आपको कौन बचाएगा? उसे मौत के घाट उतार देना चाहिए। विनाश राव, नाम सुनते ही तबाही का मंजर आंखों के सामने आ जाता है। इसकी दहशत के आगे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स, बिजनेसमैन, यहां तक कि मंत्री भी अपना सर झुका लेते हैं। इसके दिन की शुरुआत होती है इस चाय की छोटी दुकान से। इसी दुकान से इसने जुर्म की दुनिया में अपना कदम रखा था। यह है शहर के बीच बसी बस्ती, जहां विनाश राव एक आलीशान कॉम्प्लेक्स बनाना चाहता है। यहां के लोग इसे देवता मानते हैं,
इस बात से बेखबर कि ये देवता की आड़ में छिपा एक हैवान है। ऐसा हैवान जिसके कई गैर कानूनी धंधे हैं, जैसे कि चिटफंड। मिनरल वाटर की आड़ में करोड़ों का गैर कानूनी स्पिरिट का कारोबार। ताकत का नशा ऐसा कि किसी की जरूरत नहीं जो इससे आगे निकल जाए। पाए लगू मोटा भाई, आइए आइए। दुबई में चल रहे मेरे बिजनेस से मैंने ये मॉल खड़ा किया है मोटा भाई। बहुत अच्छा। ये मुंबई का सबसे बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है पूरे मुंबई का। हाँ। आप मेरे मॉल में बोनी करा दीजिए मोटा भाई। माचिस इधर ला। अरे नहीं नहीं, पैसे नहीं लूंगा। ये तुम्हारी बोनी है, रख लो। जय लक्ष्मी माँ। भैया जरा मेरे साथ में आएंगे? क्या हुआ? वो सामान आ गया। मैं अभी हाँ, काम पहले। आओ, सामान तो चेक कर लिया है ना? पेमेंट सामान चेक करने के बाद ही करूँ, बाकी मैं बात कर लूंगा, तुम जाओ। अरे रे, सामान जला दिया, मेरे मॉल में आग लगा दी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझसे बड़ा कोई नहीं बन सकता। मेरे मॉल में आग लगा दी, अरे मैं तो बर्बाद हो गया। क्या क्या करूं इस लड़के का? हाँ, आप आ गए? क्या हुआ? पेट में दर्द हो रहा है? सीने में दर्द हो रहा है मेरे। हार्ट अटैक ना आ जाए, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। ये सब तेरे बेटे का किया धरा है, बुलाओ उस नालायक को। क्या किया उसने? ये क्या है पूछती है? एक पुलिस वाले को जोर जोर से पीटा मारा और उसके पैसे छीन के आया। ये जरा देखो कैसे बेशर्मों की तरह। धोती धोती मैं संभाल लूंगा, तुझे कौन संभालेगा? 3 घंटे पुलिस स्टेशन में काटे मैंने। क्या अरे अरे करती हो? एक मुजरिम की तरह बैठा था मैं वहाँ और इस गधे को कोई फर्क नहीं पड़ा। कितना शर्मिंदा हुआ मैं वहाँ। चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। अपने बच्चों पर चिल्ला रहे, उससे क्या फायदा? उससे कुछ नहीं होगा। बच्चे जो भी करना चाहते हैं उन्हें करने देना चाहिए। ये देवराज आईपीएस इसलिए बना क्योंकि शुरू से पढ़ाई पर ध्यान देता था। और एक हमारा बेटा है जो 2 साल से एक ही क्लास में खूंटा बांध के बैठा है बस। मैं एक क्लास में लगातार 2 बार फेल हुआ, यकीन नहीं होता ना। मेरे पापा ने मुझे एक दिन मारा और कहा कि पढ़ाई करना मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी क्योंकि मैंने अपने दिल में ठान लिया था कि मैं पढ़ूंगा, खूब मेहनत करूंगा। और मैंने पढ़ाई शुरू कर दी। बहुत मेहनत की है। ये भी मेहनत करेगा? हमारा बेटा क्या हाथ मेहनत करेगा? आईपीएस। वो टीवी देखता और आवारागर्दी करता है। इसकी पढ़ाई लिखाई के लिए कितना पैसा आज तक खर्च किया है मैंने, उस पैसे की कदर है इसे? मगर अब बहुत हो चुका, आज के बाद एक पाई खर्च नहीं होगी इस पर, कह दो इससे। आपसे पैसे किसने मांगे? तुम चुप रहो। मुझे भी मेरे पापा ने पढ़ाई के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी थी। अब आप पूछेंगे कि मैंने दर्द हो रहा है? मैं पार्ट टाइम एक ऑटो चला के अपने कॉलेज की फीस भरता था। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैंने क्या हुआ, बताइए ना पापा। क्यों अपने पापा को हमेशा तंग करते रहते हो? ध्यान से पढ़ाई करो वरना हम तुम्हारी शादी करवा देंगे, समझे तुम? फिर घर बार संभालते बैठना। बच्चों पर शादी थोपने का क्या मतलब है? शादी के बंधन में बंधना तो ऊपर वाले के हाथ में होता है। आप भी जरूर मेरी एक बात मानेंगे कि हर आदमी की तरक्की के पीछे एक औरत होती है, उसी तरह मेरे भी पीछे है मेरी पत्नी। इनसे मिली गायत्री और ये है मेरे बच्चे जो मेरे दिल के बहुत करीब है। हम इस छोटे से परिवार में बहुत खुश हैं। माँ बाप को अपने बच्चों पर अपनी मर्जी नहीं थोपनी चाहिए बल्कि उन्हें अपनी जिंदगी अपनी तरह से जीने देनी चाहिए। ये हमारे प्रोग्राम का आज का मैसेज है। अगली बार तक नमस्कार। प्रोग्राम अब खत्म हुआ, चिल्लाना बंद कीजिए और देवराज जिस कॉलेज में पढ़े उसे मेरा एडमिशन करवा दीजिए। समझाओ अपने बेटे को। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। इससे कह दो कि आज के बाद इसके पिताजी इससे एक लफ्ज नहीं कहेंगे, पर यदि इस साल ये फेल हुआ तो क्या अपनी जिद छोड़ देगा? राघव शाम को 5 बजे आना। ठीक है। पापा आ गए। ये अंकल और उनके दोस्त कितने अच्छे हैं। आप भी हमारे साथ खेलिए ना। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सब नमस्कार करो। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्ते सर। पापा मेरे लिए चॉकलेट लाए। नमस्कार सर। पापा ये अंकल तो कैरम खेलने में मास्टर है, एक भी गेम नहीं हारे। नमस्कार सर। कहाँ थे आप? मैं कब से आपको फोन कर रही थी। घर पर मेहमान आए हैं और आपका कोई पता नहीं। अच्छा लगता है क्या? सही कहा ना भैया, तुम्हारी पत्नी के हाथों में जादू है, किस्मत वाले हो। एक मिनट मैं पानी लेकर आती हूँ। देवराज, एक पंछी था जो नदी की सारी मछलियों को खाए जा रहा था। एक एक करके सभी मछलियाँ खत्म हो रही थी। पानी में बहुत ही कम मछलियाँ बच गई थी, सबको खा गया वो पंछी। उसके शिकारों में धींगरा था, राजू, परवेश और आखिरी शिकार अनवर लंगड़ा था। वो और शिकार करना चाहता था पर मछली बची नहीं। और एक दिन आ गया एक बड़ा मगरमच्छ,
यानी कि मैं मुझे मारना चाहता है ना? मैं नहीं चाहता कि मुझे तुम्हें ढूंढने की मेहनत करने पड़े। अब मैं तेरे बिल्कुल सामने खड़ा हूं, तेरे घर में। मार, मार मुझे। पापा, पापा। ये क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? छोड़िए, छोड़िए, नहीं छोड़िए। तुम्हें अकल नहीं है क्या? जानते नहीं ये कौन है? देवराज, बच्चा बच्चा जानता है इसको, सब इसको हीरो मानते हैं। लेकिन मुझे कोई नहीं जानता, जानना चाहिए ना। बाहर ले जाके मारो इसे। नहीं!